सो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे सेवन्थ क्लास का फोर्थ यूनिट की पोएम हमारी चिवी को हम स्टडी करने वाले हैं। चिवी का बेसिकली मतलब क्या होता है? चिवी का मतलब होता है रिपीटेडली, रिपीटेडली कोई चीज़ आपको जो करने को बोली जाती है रिपीटेडली। जिस तरह से आई एम प्रीटी श्योर आपको कितनी बार जो है घर में बोलते होंगे हाथ धो, खाना खाने से पहले हाथ धो। रोज़ जब आप खाना खाते हो तो आपको मम्मा बोलती है कि हाथ धो, मतलब कि हाथ धोना आपको रिपीटेडली बोल रही है। कोई काम आपको जो रिपीटेडली बोला जाता है उसको हम कहते हैं चिवी, ठीक है। एक और एग्जांपल, जिस तरह आप जब घर के अंदर जाते हो तो आपको क्या बोला जाता है कि दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा अपने पीछे बंद करो। रोज़ आपको घर में कोई बोलता है दरवाज़ा आपके पीछे बंद करो, जब बाल बाहर बार बोलता है, या स्कूल के अंदर आपको टीचर कहता है कि शोर मत करो, शोर मत करो, शोर मत करो। तो एक्चुअली दिस इज़ नथिंग बट चिवी, मतलब कि बार बार आपको कोई जो है काम करने को बोल रहा है। चलिए हम अब इस पॉइंट को स्टडी करते हैं एंड देन हमें जो है पता चलेगा। आस्क यू आर सेल्फ एज यू आर एज वेल एज यू आर पार्टनर, ठीक है ना। खुद को जो है आप पूछिए, खुद से पूछिए और साथ में जो आपका पार्टनर है उससे भी पूछिए। डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू आर नॉट टू डू, क्या तुम्हें हमेशा पसंद है कि तुम्हें कोई कहे कि तुम्हें क्या करना चाहिए या तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए? क्या तुम्हें ये रोज़ जो है सुनना पसंद है? डू ग्रोवन अप डू दिस, डू ग्रोवन अप्स डू दिस एंजॉय एक्सपीरियंस। जो लोग बड़े हैं, ग्रोवन अप्स का मतलब है जो बड़े हैं, जो खुद को समझदार समझते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वो ऐसा करते हैं? तुम्हें रोज़ बताते हैं तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। फिर टेबल है नीचे, व्हेन माइकल वाज 5 ईयर्स ओल्ड, जब माइकल 5 साल का था, हिज मदर टोक हेम टू ए नियर बाई स्कूल फॉर एडमिशन, उसकी माँ उसको जो है करीबी स्कूल में एडमिशन के लिए ले जाती है। द टीचर आस्क्ड, टीचर उससे पूछता है व्हाट डज यूर मदर कॉल यू एट होम, तुम्हारी माँ तुम्हें क्या बोलती है चाइल्ड? माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई, ठीक है ना। तो जब उसको टीचर बोलता है कि तुम्हें जो है मदर घर में क्या बोलती है, ठीक है ना, तो माइकल क्या रिप्लाई करता है कि इसकी माँ इसको बोलती है माइकल डोंट, ठीक है ना, माइकल डोंट डू दिस, माइकल डोंट डू दैट, माइकल डोंट डू दिस, बिकॉज माइकल डोंट इज काइंड ऑफ चिवी, जो बार बार जो है वर्ड यूज की जाती है। टू चिवी इज टू नैग, टू कंटिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग ऑफन इन एन अनोइंग वे, ठीक है ना। किसी को जो है गुस्से में, अनोइंग वे में, जो अगले को अच्छा ना हो, बार बार किसी को जो है ये बोलते रहना कि तुम ये करो तुम वो करो, उसको हम चिवी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है चिवी का ये मतलब है। रीड द पोएम, अब हम पोएम को स्टडी करते हैं एंड देन देखते हैं। ग्रोवन अप सेज से थिंग्स लाइक, जो ग्रोवन अप्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो बड़े हो गए हैं, जिस तरह बड़े हमारे कौन है, हमारी मम्मी है, हमारे पापा है, हमारा बड़ा भाई है, हमारे टीचर्स हैं, वो बड़े हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कहते हैं ग्रोवन अप से थिंग्स लाइक, वो किस तरह से चीज़ें बोलते हैं? स्पीक अप, वो आपको कहेंगे बोलो, जिस तरह आपको स्कूल में अंदर टीचर क्या कहता है स्पीक अप, आप बोलो। डोंट टॉक विद योर फुल माउथ, मुंह बार के मत बोलो, ठीक है ना, जब तुम्हारे मुंह में कुछ खाना हो तो उस वक्त बात मत करो, ठीक है ना। डोंट स्टेयर, डोंट स्टेयर का क्या है कि इधर मत देखो, डोंट स्टेयर एट द डोर, डोंट स्टेयर आउटसाइड, डोंट स्टेयर देयर, डोंट स्टेयर देयर, तो मतलब कि तुम इधर मत देखो, उधर मत घूरो, ठीक है ना। स्पीक अप दिस, स्पीक अप दैट, स्पीक अप दिस, डोंट टॉक विद योर फुल माउथ इन दिस मैनर, ये वो अजीब चीज़ें आप रोज़ सुनते हैं, ठीक है ना। डोंट पॉइंट कि उस तरफ इशारा जो है मत करो, डोंट पॉइंट, डोंट पॉइंट दिस, इस तरफ इशारा मत करो, डोंट पॉइंट इन दैट वे, उस तरफ जो है उस तरीके से इशारा मत करो। तो डोंट पॉइंट आप बहुत बार सुनते हैं। डोंट पिक योर नोज, अपने जो नाक है उसमें उंगली मत डालो, ठीक है ना। वहाँ से जो है जिस तरह आप नाक में उंगली डालते हैं छोटे बच्चे, तो कई बार आपको मम्मी बोलती है डोंट पिक योर नोज, डोंट, टीचर बोलता है आपको, सब बोलते हैं। और क्या क्या बोलते हैं? सिट अप, ठीक है ना, खड़े बैठो, ठीक। से प्लीज़, बोलो कुछ, से प्लीज़ आपने सुना होगा बहुत बार। लेस नॉइस, आपको जिस तरह टीचर बोलती है कि कम करो, कोई शोर मत करो, शोर, नो शोर, ठीक है, लेस नॉइस, ये भी आपने सुना होगा। शट द डोर बिहाइंड यू, जब आप घर में होते हो तो बहुत बार आपको बोलते हैं कि अपने पीछे दरवाज़ा बंद करो, शट द डोर बिहाइंड यू, कभी आपको घर वाले सभी बोलते हैं। डोंट ड्रैग यूआर फीट, अपने पैर घसीट घसीट के मत चलो, अच्छे से चलो, ठीक है, डोंट ड्रैग यूआर फीट, ठीक, अपने जो पैर हैं उनको घसीट घसीट के मत चलो। हैवंट यू ए हैंकी, हैवंट यू गॉट ए हैंकी, तुम्हारे पास जो है रुमाल नहीं है,
तुम्हारे पास जो है कोई रुमाल नहीं है, अक्सर आपको टीचर बोलेगी या और लोग जो हैं अक्सर आपको बोलते रहते हैं, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, अपने जो जेबों में से हाथ बाहर निकाल के रखो, जेब में हाथ मत डालो। जिस तरह आपको टीचर जब मॉर्निंग असेंबली में खड़ा करता है तो हाथ नहीं डालने देते जेब में, ठीक है ना। पुल योर सॉक्स अप, अपनी जो जराबे हैं उनको ऊपर खींचो, अपनी जब आप जराबे पहन रहे होते हैं तो क्या कहते हैं आपको, अपनी जराबे ऊपर खींचो। स्टैंड अप स्ट्रेट, खड़े बैठो, मतलब सीधे खड़े रहो, ठीक है ना, हिलो डुलो मत। से थैंक यू, थैंक यू बोलो, चाचा को थैंक यू बोलो, उसको थैंक यू बोलो, इसको थैंक यू बोलो। डोंट इंटरप्ट, बीच में बात मत काटो, ठीक है। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई नहीं सोचता कि तुम जो है फनी हो, ठीक है ना। टेक यू आर एल्बोज ऑफ द टेबल, टेबल में से टेबल पे से बाजू हटाओ, ठीक है ना, टेबल पे बाजू मत रखो। कांट यू मेक योर ओन, ठीक है ना, क्या तुम अपना नहीं कर सकते। माइंड अप अबाउट एनी थिंग, ठीक है ना, माइंड अप अबाउट एनी थिंग। कांट यू मेक योर ओन, माइंड अप अबाउट एनी थिंग, तो क्या जो है आप अपना नहीं कर सकते, और जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी कुछ बोल रहा है तो उनको जो है माइंड करो। माइकल रोसन की लिखी हुई जी आपकी पोएम है, एंड देन इसके बाद जो है आपका वर्किंग विद द पोएम जो है इसके क्वेश्चंस के, बट इसके क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एन्जॉय।